चंपारण हांडी मटन यह एक ऐसा डिश है जिसको खाने के बाद लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चंपारण हांडी मटन, जिसे हम बिना हांडी के घर पर कुकर या पतीले में बनाएंगे बिल्कुल उसी प्रोसेस से। इसके लिए 3 कलछी सरसों का तेल धुआं उठने जितना गरम कर लेते हैं और ये 700 ग्राम मटन है जिसे मैं अच्छे से धोकर साफ करके ले ली हूँ। अब हम इसमें छोटे टुकड़ों में कटे हुए प्याज को डालेंगे। मटन की क्वांटिटी जितनी होती है उसके आधा से थोड़ा ज़्यादा हमें इसमें प्याज डालना होता है। अब 2 साबुत लहसुन को साफ करके इसमें डाल लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें भरकर लहसुन का पेस्ट डालते हैं। 1 छोटा टुकड़ा अदरक को घिसकर डालते हैं जिससे मटन का स्वाद बहुत अच्छा आता है। हांडी मटन बनाना बहुत सरल होता है लेकिन इसको तैयार करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें खड़ा गर्म मसाला डालें आप, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, खड़ी काली मिर्च डालते हैं और लौंग डालेंगे। अब हमें इसमें सूखे मसाले मिलाना है। 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर, 1 टेबल स्पून तीखी लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा। 1/2 चम्मच इसमें पेपर पाउडर डालिए और अब 1 चम्मच इसमें हम डालते हैं जीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर और डालते हैं अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक। इन्हीं सब मसालों को उचित मात्रा में डालने से हांडी मटन का गजब का स्वाद आता है। और अब इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला डालते हैं और लास्ट में इसमें हम गरम सरसों का तेल डालेंगे। सावधानी से आप इसे डालिए क्योंकि स्वाद इसी से बढ़िया आने वाला है। सभी मसालों के साथ मटन को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। लगभग 3 से 5 मिनट तक आप इसे अच्छे से मिलाइए और मैरिनेट किए हुए इस मटन को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। आप अपने हाथों के इस्तेमाल से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका रंग आ गया है। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रहने देते हैं। अब उसी कुकर को वापस से हम गर्म करते हैं और इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को आप अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। उसके बाद इसमें हम तड़का लगाएंगे। 1 चम्मच खड़ा जीरा डालते हैं इसमें, लाल मिर्च को डालेंगे और 2 तेजपत्ता डालते हैं। अब इसमें हमें डाल देना है मैरिनेट किए हुए मटन को। तो ये देखिए इस तरह से धुआं उठते हुए घी में ही आपको मटन डालना है। एक बार मटन को चला लेते हैं, फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और कुकर के ढक्कन को इसे ढक देंगे। ध्यान दें कि हमें कुकर को बंद नहीं करना है। लो फ्लेम में इसे हम 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे। टाइम पूरा होने के बाद इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये मटन पक रहा है। इसमें हमने 1 बूंद भी पानी नहीं डाला है, फिर भी देखिए मटन और प्याज से कितना सारा पानी रिलीज हुआ है, जिससे मटन बहुत बढ़िया से पक जाता है लो फ्लेम पे। तो चलिए एक बार मटन को हम चेक कर लेते हैं कि ये बढ़िया से पका है कि नहीं। तो ये देखिए, वाह, मटन बहुत ही अच्छे से गल गया है। इसे बनाने में मुझे सिर्फ 1/2 घंटा समय लगा है। ये आपके मटन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपको कितना समय लगेगा। तो चलिए टेस्टी चंपारण मटन बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर अपने घर पे कुकर या पतीले में ही बनाकर इंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।